Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to study how to convert units from centimeter to meter and meter to centimeter. अगर आपके पास सेंटीमीटर में कोई वैल्यू गिवन है और आपने कन्वर्ट करना है उसे मीटर में, तो आप सिंपली उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड द लेंथ वैल्यू बाय 100, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर दोनों लेंथ के यूनिट्स हैं. तो आपके पास अगर कोई वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में या किसी प्रॉब्लम में आपके पास सेंटीमीटर में गिवन है और आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली उस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लेंगे. कुछ एग्जांपल सिंपल सी मैंने आपको शो की हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो क्या कहा है मैंने आपको, डिवाइड कर लेना है आपने उस वैल्यू को 100 से. तो 1 को आपने डिवाइड कर लिया 100 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.01 मीटर. तो आपके पास 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में. 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 0.01 मीटर के बराबर होता है. 0.01 मीटर भी कहा जा सकता है और 0.01 मीटर भी कहा जा सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं. 10 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सिंपली आपने 10 को डिवाइड कर लेना है 100 से, आपके पास 0.1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर. थर्ड एग्जाम्पल, 12.5 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सिंपली यू डिवाइड द वैल्यू 12.5 बाय 100. 100 से आपने 12.5 को डिवाइड कर लिया, आपके पास 0.125 मीटर. इसी तरह सवालात पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 11 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है. तो आपको आना चाहिए कि कैसे आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो आप जो भी सेंटीमीटर की वैल्यू होगी उसको आप डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी. अब यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम मीटर टू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने डिवाइड की थी वैल्यू को, तो आपके पास सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन हो गई थी. अब अगर मीटर से आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ऑपोजिट, वहाँ पर आपने डिवाइड किया था, यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर को कन्वर्ट करना है आपने सेंटीमीटर में, तो 1 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 100 सेंटीमीटर आंसर आ गया. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ 14 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सिंपली 14 × 100, आपके पास 1400 सेंटीमीटर. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज़ 5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सिंपली मल्टीप्लाई द 5 × 100 एंड द आंसर इज़ 500 सेंटीमीटर. तो जब भी मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप 100 से वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो आप 100 से वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे. थैंक यू.